डॉक्ट्रीन ऑफ अल्ट्रा वायर्स अल्ट्रा वायर्स की डॉक्टरिन क्या होती है अल्ट्रा का मतलब होता है बियॉन्ड वायर्स का मतलब पावर पावर के बियॉन्ड पावर से बाहर जो पावर में ना हो बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द कंपनी जो कंपनी की पावर में ना हो कंपनी की पावर से बाहर हो कंपनी शुड कन्फाइन इट्स एक्टिविटीज़ विद इन स्टेटेड ऑब्जेक्ट्स जो हमारे मेमोरेंडम में ऑब्जेक्ट्स बताए गए हैं कंपनी के कंपनी ये काम कर सकती है ये ऑब्जेक्ट्स हैं ये एक्टिविटीज़ कर सकती है उन एक्टिविटीज़ के अलावा कंपनी कुछ नहीं कर सकती जो स्टेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं उसी के अंदर कंपनी को काम करना चाहिए रेस्ट्रिक्ट दी पावर्स ऑफ कंपनी टू गो बियॉन्ड इट्स ऑब्जेक्ट्स क्लॉज जो ऑब्जेक्ट्स क्लॉज में जो ऑब्जेक्ट्स बताएं कंपनी क्या क्या काम करेगी उसके अलावा उसके बाहर जाके कंपनी काम नहीं कर सकती कंपनी को ये पावर नहीं है एक्ट विच इज़ अल्ट्रावायर्स इज वॉइड एंड डज नॉट बाइंड द कंपनी नीदर द कंपनी नॉट द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी कैन सी यू ईच अदर जो एक्ट अल्ट्रा वायर्स है कंपनी की पावर से बाहर है ठीक है जो कंपनी की पावर में नहीं है अगर कोई ऐसा एक्ट किया जाता है ठीक है तो वह वॉइड होगा यूजलेस होगा और उससे कंपनी बंदी नहीं हुई उस एक्ट से इसका इससे क्या होगा ना तो क्या कहते हैं जिस पार्टी ने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है उस काम को करने के लिए ना तो वो कंपनी के खिलाफ कोई लीगल एक्शन ले सकती ना ही कंपनी उस व्यक्ति के ख़िलाफ़ कोई लीगल एक्शन ले सकता ठीक है दे कैन नॉट सी ईच अदर अल्ट्रा वायर्स एक्ट कैन नॉट बी मेड वैलिड बाई रेटिफिकेसन इवन बाय ऑल दी मेम्बर्स अगर कोई अल्ट्रा वायर्स एक्ट हुआ है बियॉन्ड दी पावर जो अलाउड नहीं था अगर कोई ऐसा हुआ है तो सारे मेंबर्स भी मिल के चाहें तो उस एक्ट को वैलिड नहीं कर सकते रेटिफिकेसन के थ्रू अप्रूव अप्रूव करके रेटिफिकेसन करके वो वैलिड नहीं बना सकते चाहे सारे के सारे मेम्बर मिल जाएँ ठीक है अल्ट्रावायर्स एक्ट वॉइड ही होता है एक केस लॉ देखते हैं हम ऐशरी रेलवे कैरियज एंड आयरन कंपनी वर्सेस रिश इन 1875 इस कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ था कि कंपनी क्या क्या कर सकती है सेल और लैंड ऑन हायर बेच सकती है या किराए पर दे सकती है रेलवे कैरेज़ एंड वैगन्स रेलवे के कैरेज और वैगन्स वगैरह डब्बे वगैरह जो होते हैं रेलवे के एंड ऑल काइंड ऑफ रेलवे प्लांट्स एक्सेट्रा और हर तरह के रेलवे प्लांट्स एंड टू कैरी बिजनेस ऑफ मकैनिकल इंजीनियर्स एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स ओके और ये मकैनिकल इंजीनियर्स का बिजनेस भी कर सकते और जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स इस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया रिश के साथ कंपनी एंटर्ड इन टू कॉन्ट्रैक्ट विद रिश अ फर्म ऑफ रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स रिश जो है एक फर्म थी रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स की टू फाइनेंस अ रेलवे लाइन इन बेल्जियम बेल्जियम में एक रेलवे लाइन बिछनी थी लगनी थी उसको फाइनेंस करने के लिए द कंपनी हाउ एवर थी कॉन्ट्रैक्ट ऑन ग्राउंड अल्ट्रा वायर्स हालांकि कंपनी ने क्या किया उस कॉन्ट्रैक्ट को रेपूडिएट कर दिया डिनाई कर दिया रिजेक्ट कर दिया किस ग्राउंड पे ये कह के कि ये हमारी पावर से बाहर है हम ये नहीं कर सकते ठीक है तो रिश ने क्या किया रिश ब्रॉट सूट फॉर डैमेज़ एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसने लीगल एक्शन लिया डैमेज के लिए कंपनसेशन के लिए और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है और कंटेंशन क्या थी रिश की क्या क्या कहा रिश ने ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट वॉज वेल विद इन द टर्म जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स की ये जो कॉन्ट्रैक्ट है कॉन्ट्रैक्ट है ये ऑब्जेक्ट क्लॉज में जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स जो टर्म लिखा हुआ है इसके अंतर्गत आता है इसलिए वैलिड है ओके इट इज द टर्म जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स यूज इन मेमोरेंडम एंड देर फॉर विद इन कंपनीज़ पावर इसलिए कंपनी की पावर के अंदर है क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ है दैट अपार्ट द सेट कॉन्ट्रैक्ट वॉज रेडिफाइड बाय मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स इसके अलावा शेयर होल्डर्स की मेजोरिटी जो है उन्होंने वह कॉन्ट्रैक्ट रेटिफाई कर दिया था अप्रूव कर दिया था ठीक है लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने क्या कहा हाउस ऑफ लॉर्ड रूल दैट द कॉन्ट्रैक्ट वॉज अल्ट्रावायर्स दे आर फॉर नल एंड वाइड हाउस ऑफ लॉर्ड ने कहा नहीं ऐसा नहीं है कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अल्ट्रावायर्स है कंपनी की पावर के बाहर है इसलिए यह कॉन्ट्रैक्ट नल है वो वॉइड है यूजलेस है लॉर्ड केन्स जो हैं उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने कहा कि द टर्म जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स मस्ट बी टेकन टू इंडिकेट कॉन्ट्रैक्ट्स कंट्रैक्ट कनेक्टेड विद बिजनेस ऑफ मकैनिकल इंजीनियर्स ओके इफ़ नॉट सो इंटरप्रेटेड इट विल ऑथराइज मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ एनी एंड एवरी डिस्क्रिप्शन विच विल वर्चुअली पॉइंट टू कैरी बिजनेस ऑफ एनी काइंड वॉट सो एवर तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि लॉर्ड केन्स ने कहा कि जो टर्म है ना जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स इसका मतलब वह है कि ये वह काम कर सकता है ये जो टर्म जो है ये मकैनिकल इंजीनियर्स से कनेक्टेड है ठीक है ऐसा नहीं है जनरल का मतलब है तो कुछ भी क्या कहते हैं जनरली कुछ भी कर सकते हैं ये जो मकैनिकल इंजीनियर्स का बिजनेस है इससे इससे रिलेटेड टर्म है ये द टर्म जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स मस्ट बी टेकन टू इंडिकेट कॉन्ट्रैक्ट कनेक्टेड विद बिजनेस ऑफ मकैनिकल इंजीनियर्स इफ नॉट सो इंटरप्रेटेड ओके अगर ऐसा नहीं किया गया तो जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब क्या हो जाएगा कि कोई से भी किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स कर लो ऑथराइज मेकिंग कॉन्टैक्ट्स ऑफ एनी एंड एवरी डिस्क्रिप्शन और इससे क्या होगा कंपनी किसी भी तरह का बिजनेस कर सकती है तो फिर ये जो ऑब्जेक्ट्स क्लॉज में जो ऑब्जेक्ट्स बताए हुए थे कि यही यही काम कर सकती है कंपनी केवल तो इस चीज़ का फायदा क्या ऑब्जेक्ट्स क्लॉज बनाने का फ़ायदा क्या हुआ ठीक है क्योंकि ऑब्जेक्ट्स क्लॉज में लिखा होता है कि कंपनी केवल यही है काम कर सकती है अगर कंपनी ने इन कामों के अलावा इन एक्टिविटीज़ के अलावा इन बिजनेस के अलावा कुछ किया तो वह वैलिड नहीं होगा वह वॉइड होगा ठीक है तो क्या कहते हैं अगर कंपनी हर तरह के काम करने लगे तो इस ऑब्जेक्ट से बाहर चला जाएगा हर तरह का काम क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लॉज में तो कुछ ही काम लिखे होते हैं तो बाहर चला जाएगा तो बियॉन्ड पावर हो जाएगा ये तो इसलिए इनवैलिड हो जाएगा हैंस कॉन्ट्रैक्ट वॉज बियॉन्ड ऑब्जेक्ट्स इन मेमोरेंडम क्योंकि कंपनी हर तरह के काम नहीं कर सकती ईच एंड एवरी डेस्क्रिप्शन कैरी बिजनेस ऑफ एनी काइंड वॉट्स वह केवल वही काम कर सकती है जो उसमें लिखे हुए हैं जनरल लिखने से ये मतलब नहीं है कोई कुछ किसी भी तरह कॉन्ट्रैक्ट कर ले इसका मतलब ये है क्या कहते हैं वही कॉन्ट्रैक्ट जो मैकेनिकल इंजीनियर्स के बिजनेस से कनेक्टेड हों हैं कॉन्ट्रैक्ट वॉज बियॉन्ड ऑब्जेक्ट्स इन मेमोरेंडम इसलिए कॉन्ट्रैक्ट जो है जो मेमोरेंडम ऑब्जेक्ट मेमोरेंडम में जो ऑब्जेक्ट्स दिए थे उसके बाहर है देआर फॉर बियॉन्ड पावर ऑफ कंपनी टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट इसलिए कंपनी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती थी उसके पावर के बाहर था कौन कौन सी एक्टिविटीज़ वैलिड हैं जैसे मान लो मेमोरेंडम में नहीं लिखी हुई लेकिन फिर भी वैलिड मानी जाएंगी वो है अगर कोई एक्टिविटी असेंशियल है फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स स्टेटेड इन मेन ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो ऑब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं इस ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए कोई ऐसी एक्टिविटी है जो बहुत असेंशियल है हालांकि वो मेमोरेंडम में ना लिखी हुई हो लेकिन अगर असेंशियल है उस ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए तो वो भी वैलिड मानी जाएगी ठीक है और जो एक्टिविटी हो वि जो कि इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशल और रीजनेबली विद इन परमिशिबल लिमिट्स ऑफ द बिजनेस मतलब इंसिडेंटल कॉन्सिक्वेंसल का मतलब अगर ऑब्जेक्ट क्लॉज में कोई एक्टिविटी लिखी हुई है वो एक्टिविटी वैलिड है उस एक्टिविटी को करने के रिजल्ट में उसके कॉन्सिक्वेंस में कोई एक्ट हो रहा है कोई एक्टिविटी हो रही है तो वो एक्टिविटी भी वैलिड मानी जाएगी इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंसल एक्टिविटी वैलिड मानी जाएंगी और जो जो एक्टिविटीज़ लिखी हुई हैं जो बिजनेस लिखा हुआ है उसकी लिमिट्स में जो जो परमिसिबल है वो भी वैलिड माना जाएगा और ये सब जो है कंपनी ऑथराइज टू डू बाय कंपनीज़ एक्ट ये सब कंपनी एक्ट के अंदर ऑथराइज होना चाहिए अगर कोई चीज़ कंपनीज एक्ट के द्वारा ऑथराइज नहीं है वो वैलिड नहीं होती चाहे वो लिखी हो या ना लिखी हो एक्सेप्शंस एक्सेप्शन वही है कि अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चीज़ नहीं लिखी हुई तब भी वैलिड कैसे होगी वो ठीक है क्योंकि केवल वही वैलिड होती है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर ऑब्जेक्ट्स में लिखी हुई हैं क्या ऑब्जेक्ट्स हैं क्या एक्टिविटीज हैं किस तरह का बिजनेस कर सकती है कंपनी अगर इसमें नहीं लिखा तब भी वैलिड कब होगी अगर एक्ट इंट्रावायर्स बट आउटसाइड डायरेक्टर्स अथॉरिटी द शेयर होल्डर्स कैन रेटिफाई हालांकि एक्ट अल्ट्रा वायर्स नहीं है इंट्रावायर्स है इंट्रावायर्स का मतलब पावर के अंदर ही है लेकिन डायरेक्टर की अथॉरिटी के बाहर है कंपनी की पावर के अंदर तो है लेकिन डायरेक्टर की अथॉरिटी के बाहर है ऐसा अगर एक्ट कोई डायरेक्टर करता है जो इस, उसकी अथॉरिटी के बाहर है लेकिन कंपनी के अथॉरिटी के कंपनी की पावर के अंदर है तो शेयर होल्डर उसको अप्रूव कर सकते हैं उसको रेटिफाई कर सकते हैं उसको वैलिड बना सकते हैं ऐसे ही कोई एक्ट इंट्रावायर्स है कंपनी के अथॉरिटी के अंदर तो है लेकिन बट डन विद इेगुलरिटी है ना लेकिन काम इरेगुलरिटी के साथ किया गया है रेगुलरिटी के साथ नहीं किया ढंग से नहीं किया गया तो उस एक्ट को भी शेयर होल्डर्स रेटिफाई कर सकते हैं अप्रूव कर सकते हैं उसको वैलिड करने के लिए कंपनी एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थ्रू अल्ट्रावायर्स इन्वेस्टमेंट द प्रॉपर्टी विल बी सिक्योर अगर कोई कंपनी ने कोई प्रॉपर्टी ली है कोई अल्ट्रावायर्स इन्वेस्टमेंट करके जो उसकी पावर में नहीं था ऐसा इन्वेस्टमेंट करके तो ऐसा नहीं है फिर वो प्रॉपर्टी कहीं चली जाएगी वो कंपनी की प्रॉपर्टी रहेगी ठीक है इफेक्ट्स विच आर इंसीडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशल टू एक्ट नॉट वैलिड अनलैस एक्सप्रेसली प्रोहिबिटेड नॉट इन वैलिड अनलेस एक्सप्रेसली प्रोहिबिटेड बाई कम्पनीज एक्ट जैसे हमने अभी देखा था कोई एक्ट है अब जो कंपनीज जो आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो एक्टिविटीज़ अलाउड हैं उसकी कॉन्सिक्वेंस में उसके रिजल्ट में कुछ कोई एक्ट हो रहा है उसके रिजल्ट में उसके कॉन्सिक्वेंस में तो वो एक्ट जो है वैलिड माना जाएगा वो इनवैलिड तभी होगा अगर कंपनीज एक्ट ने उसको इनवैलिड कहा हो ठीक है वरना अगर उसके कॉन्सिक्वेंस में कुछ हो रहा है वैलिड एक्ट के कॉन्सिक्वेंस में कोई एक्ट हो रहा है तो वो भी वैलिड है सर्टेन एक्ट्स अंडर कंपनीज़ एक्ट दो नॉट एक्सप्रेसली स्टेटेड इन मेमोरेंडम आर एम्प्लायडली विद इन अथॉरिटी ऑफ कंपनी दे आर फॉर डीम्ड नॉट अल्ट्रावायर्स कंपनीज एक्ट के अंदर कुछ एक्ट सर्टेन एक्ट दिए हुए होते हैं हालांकि वो एक्सप्रेसली डायरेक्टली मेमोरेंडम में ना लिखे हों लेकिन फिर भी वह क्या कहते हैं कंपनी की अथॉरिटी में इनडायरेक्टली माने जाते हैं इम्प्लाइडली विद इन अथॉरिटी ऑफ कंपनी ठीक है हालांकि मेमोरेंडम ना लिखे हों लेकिन कंपनीज एक्ट के अंदर वो एक्ट आते हैं इसलिए क्या कहते हैं वो अलाउड होते हैं इसलिए वो अल्ट्रावायर्स नहीं माने जाएंगे ठीक है इफ एक्ट इज़ अल्ट्रावायर्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन द कंपनी के ऑल्टर इट्स आर्टिकल्स टू वैलिडेट दैट एक्ट अगर कोई आर्टिकल सॉरी अगर कोई एक्ट आर्टिकल्स में जो एक्ट्स दिए गए हैं उसके बाहर जाता है ठीक है तो उसको वैलिडेट करने आसान है उसके लिए केवल ये करना होगा आर्टिकल्स को ही चेंज कर कर देना है आर्टिकल्स को ही अल्टर कर देना है मेमोरेंडम में ज़्यादा क्या कहते हैं रेस्ट्रिक्शंस होती हैं आर्टिकल्स में इतना नहीं है आर्टिकल्स कर, में करना आसान है अगर कोई आर्टिकल से बाहर जाके कोई एक्ट किया जाता है तो ठीक है कॉन्सिक्वेंस क्या है अगर कोई अल्ट्रा वायर्स एक्ट होता है कंपनी की पावर जो है उससे बाहर जाके कोई एक्ट होता है उसकी क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं इंजंक्शन मेंबर्स कैन गेट इंजंक्शन टू रेस्टोरेंट कंपनी अगर कोई ऐसा एक्ट होता है तो मैंबर क्या करते हैं एक ऑर्डर ला सकते हैं जो जुडिशल ऑर्डर ला सकते हैं जो जिस ऑर्डर के थ्रू कंपनी को रोका जा सकता है उस काम को करने के लिए ठीक है कंपनी को प्रिवेंट किया जाएगा ये काम नहीं करेगी कंपनी डायरेक्टर्स आर हेल्ड पर्सनली रेस्पॉस लाइबल डायरेक्टर्स को पर्सनली लाइबल माना जाएगा ब्रीच ऑफ वॉरटी डायरेक्टर्स बींग एजेंट ऑफ कंपनी कैन डू नथिंग विच द कंपनी इट्स सेल्फ कैन नॉट डू डायरेक्टर्स जो हैं वो कंपनी के एजेंट होते हैं डायरेक्टर्स कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जो कंपनी खुद नहीं कर सकती ठीक है इसलिए जो उन्हें वारंटी मिली हुई है अथॉरिटी मिली हुई है उसको वो ब्रीच नहीं कर सकते ठीक है प्रॉपर्टी एक्वायर्ड थ्रू अल्ट्रावायर्स एक्ट इट इज़ सिक्योर हमने पहले भी देखा था अगर कोई अल्ट्रावायर्स इन्वेस्टमेंट के थ्रू कोई प्रॉपर्टी लेता है कंपनी तो उस केस में वो प्रॉपर्टी सिक्योर रहेगी ठीक है अल्ट्रावायर्स कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइड एब इनिशियो जो कॉन्ट्रैक्ट जो हैं अल्ट्रावायर्स हैं कंपनी की पावर जो ऑब्जेक्ट्स जो दिए हुए हैं उससे बाहर जाके किए जाते हैं वो वॉइड होते हैं एव इनिशियो शुरू से ही वॉइड माने जाते हैं लाइबिलिटी अंडर लॉ ऑफ टॉट्स लॉ ऑफ टॉट्स के अंदर क्या क्या लाइबिलिटी होगी अगर कोई टॉर्ट होता है देर इज़ अनसर्टेनिटी अबाउट द एक्सटेंट कंपनी इज़ लाइबल फॉर डैमेजेज रिजल्टिंग फ्रॉम अल्ट्रा वायर्स एक्ट अगर कोई एक्ट अल्ट्रावायर्स है कंपनी की बाहर पावर के बाहर है कंपनी उसको एक्ट को नहीं कर सकती थी लेकिन फिर भी वो एक्ट किया उस एक्ट के रिजल्ट में कोई टॉर्ट होता है तो कंपनी किस एक्सटेंट तक लाइबल होगी जिम्मेदार होगी डैमेज़ के लिए इसके बारे में अभी अनसर्टेनिटी है कोई सर्टेनिटी नहीं है ठीक है लेकिन सर्टेनिटी किस चीज़ के बारे में बट लाइबल इफ़ एक्ट विद इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कॉज द टॉर्ट अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कोई एक्ट दिया है कहाँ ये परमिटेड एक्ट है और उस परमिटेड एक्ट के कारण कोई टॉर्ट हुआ है ठीक है तो तब तो कंपनी लाइबल होगी जिम्मेदार होगी या फिर टॉर्ट कमिटेड बाय सर्वेंट विद इन स्कोप ऑफ इट्स एम्प्लॉयमेंट अपने काम के दौरान कंपनी के सर्वेंट ने कोई टॉर्ट कर दिया है तब भी कंपनी लायबल होगी ठीक है ये हो गया आपका अल्ट्रा वायर्स रिवीजन के लिए अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इसका डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में वहाँ से ले सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हों तो वहाँ से ले सकते हैं ठीक है नेक्स्ट टॉपिक जो करेंगे हम डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये नेक्स्ट वीडियो में